की है दिल मुश्किलों से। बना लो कोई खूबसूरत बहाना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना। मेरे आंसुओं सीख लो मिलाने का शौक था, लेकिन क्या करें कमबख्त नजरें उनसे मिला बैठे जिन्हें तो बस नजरों से पिलाने का शौक था। क्या बात है, ये माही बिटिया की तरफ से फिर से इक्यावन प्रबोधता है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और नहीं आज कोई खुशी का तराना, मेरे आंसुओं की खुला बातें हो चुकी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा विषय को चेंज किया जाए। और जब चेंज किया तो रामायण के बाद दूसरा ग्रंथ महाभारत आ जाता है, तो मैं सीधे महाभारत में पहुंच गया। बिल्कुल। अब बड़े भैया इसको मत ये सोचिएगा कि 12 बजे महाभारत शुरू हो। दादाजी उस समय का वक्त जिस समय महाभारत का रण चल रहा है, एक से एक वीर सैनिक मारे जा रहे हैं, एक से एक वीर। उस युद्ध में, उस भयंकर युद्ध में अर्जुन और कर्ण का रथ आमने सामने डटा हुआ है। रथ आमने सामने डटा, अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया। और जब जमीन में धसा, अब हालांकि कारण तो कुछ और था बिल्कुल, लेकिन धसा। और जब धसा तो अर्जुन ने भी अपना तीर और धनुष किनारे रख दिया, लेकिन कन्हैया के दोबारा कहने पर जब अर्जुन तीर तान कर खड़े हो गए तो कर्ण ने हाथ जोड़कर भगवान किशन से कहा, आए केशव, अरे आप तो धर्म के सारथी माने गए हैं, आपके होते हुए
ये युद्ध धर्म क्षेत्र में ये अनीत क्यों हो रही है? एक निहत्थे पर वार नहीं होता, फिर ये कैसा नियम है? ये प्रभिया मिथुन बाबा जी, बल्दी खेड़ा अजीत भाई, ये 51 प्रबल बताए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़े से साधुवाद है। जब कहा कि अय कन्हैया कन्हैया अर्जुन के रथ पर मौजूद है, फिर भी वो मुझ निहत्थे पर वार करने जा रहा है, तो इतना सुनकर भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया और उन्होंने उन्होंने कर्ण से कहा, क्या कर्ण से कहा, अय कर्ण, कर्ण तुम धर्म की बात करते हो, तुम धर्म की बात करते हो, सुनिए पहला तर्क दिया भगवान श्री कृष्ण ने, अय कर्ण, अरे चले सत्य पथ पल पर ये तू खुद कहे है, चले सत्य पथ पर, चले सत्य पथ पर ये तू खुद कहे है, और सत्यता का कन्हैया ने कहा, बड़े वीर बनते हो, बड़े वीर बनते हो, कहने लगे तेरी सत्यता का मेरा हाल जाना, कर्ण मेरे सामने यू न बातें बनाना, अरे मेरे सामने यू न बातें सम्मानी श्रद्धेय दादा श्री पीएल शर्मा जी, आपके कर कमलों से ये 101 प्रपत्र बुलाए, बहुत बहुत धन्यवाद है। कन्हैया ने कहा तुम धर्म अधर्म की बात करते हो, तुम कन्हैया ने कहा सुनकर्ण, सुनकर्ण अरे तेरे भाई छोटे थे, खुद को बड़ा भी मानता था, तेरे भाई छोटे थे ये तू जानता था, खुद को बड़ा भी मानता था। जब वो नगन हो रही क्या बात है, बड़े वीर हो, वीर हो, और सभा बीच में जब वो नगन हो रही कहां थे, कहां थे, अरे काहे सभा में नहीं तीर काना, कहां थे तब, आप सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है, जोरदार तालियां भैया, जय जय भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है।
सभा बीच में जब वो नगन हो रही थी, काहे सभा में नहीं तीर तेरे सामने भैया श्री जगदीश यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, आपके कर कमलों से ये 201 प्रबंध बताया, बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला तर्क दिया जब आज खुद के सर पर मौत मंडरा रही है तब तुझे धर्म याद आ रहा है, तुझे धर्म याद आ रहा है। दूसरी बात कर्ण से कृष्ण ने कहा सुन कर्ण, सुन कर्ण भैया जी, भैया जी अरे मरा पीहू में जो उसमें शामिल था तू भी उसी का नतीजा। क्या बात है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद है दादाजी। अरे शामिल था तू भी उसी का नतीजा, मरे लाल पर पैर, मरे लाल पर पैर था जयद्रथ ने मारा। तब तुम वही खड़े थे, हम वही वही खड़े थे। बहुत ज्यादा युद्ध के नियम बता रहे हो। मरे लाल पर पैर था जयद्रथ ने मारा, तो कर कहां सत्यता उस समय कहां थे, कहां सत्यता का गया तेरा बाला मेरे सामने अरे भैया ओम प्रकाश मौर्य जी, आपके कर्तव्यों से ये 21 प्रबंध मुद्रा बहुत बहुत धन्यवाद है और अभिवादन कर रहा हूं ऐसी जनता को, क्योंकि दानेदार श्रोता ही इतने मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। बिल्कुल, ये हम बच्चों का परम सौभाग्य है और आप लोगों का अथक प्यार है, अथक परिश्रम है। दूसरी बात, अब तीसरी बात, भगवान किशन ने कर्ण से कहा अरे भानु पुत्र होकर
विनोद शुक्ला जी उगू उन्नाव से बता रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये क्या मन प्रबोध बता रहे हैं भैया जी? सन्नाटा फैल गया। भैया जो उगू के भैया जी हैं उनके पड़ोसी हैं, बैठे हैं अगर मिले। बोल भैया जी, किशन ने कहा अरे भानु पुत्र हो कर भी लज्जा न आई, तूने अत्याचारियों से कर ली मिठाई। अरे वो सूर्य तो हर जगह रोशनी फैलाता है, तूने क्या किया? क्या किया तूने? और अब तुझे इस पृथ्वी पर कोई बचाने वाला नहीं। अर्जुन से कहा तीर चलाओ, आखिर तीर चलाया गया, कर्ण मारा गया, लेकिन जाते जाते किशन ने कहा आए कर्ण ये पाप पुण्य ले करके, पाप पुण्य ले करके सबको था जीना, यही भार धरती से लेकर के संजय भैया के लिए और 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए। आदरणीय प्रधान जी को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं और ये बहुमूल्य आशीर्वाद 51 पत्र मुद्राओं का हमारे आदरणीय संचालक महोदय और आप बुजुर्ग हैं, बहुत अनुभव है आपका, आपको कीर्तन का सादर प्रणाम चरण वंदन कर रहा हूं। आइए सुने आदि खुशी का है सम्मानित दादा श्री बी एल शर्मा जी, कभी कभी मैं सोचता हूं कुछ याददाश्त मेरी ठीक हो रही है। सम्मानित दादा श्री बी एल शर्मा जी, ये आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं हृदय से प्रणाम है। क्या बात है, खुशी का है धोखा मगर क्या करे, कोई खुशी का है धोखा मगर क्या करे।
अखिलेश यादव जी की तरफ से, आपकी तरफ से ही हमारे सब सारे कलाकारों के लिए ढेर सारा आशीर्वाद और हमारे लिए एक से एक पत्र मुद्राए आदरणीय प्रधान जी को प्रणाम है। सुनिएगा, बहुत ही सुंदर तरजाई और मर्ज भी वाकई में आपका अच्छा था और देश भैया। और ये पुनः हमारे सम्मान्य दादा, क्या बात है, सम्मान्य श्री रमेश चंद्र मिश्र जी दादा श्री ब्लॉक रेवसा सीतापुर से पधारे हैं। आपकी तरफ से इक्यावन पत्र मुद्राए दादा को हृदय से प्रणाम है और सभी दान दाताओं के लिए एक बार ताली बजा दीजिए, हम प्रयागराज से आए। प्रयागराज से आए तो एक पंक्ति प्रयागराज के नाम पर पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि खुद तो पहली कुचेली पद में है, मेरे भैया एक पंक्ति सुनिएगा, सुनिए आदरणीय संचालक जी, कि खुद को मैली कुचैली पर बहे पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है। खुद को मैली कुचैली पर बहे पर अपने सपूतन को नहलाती और धुलाती है और खुद तो करे पान और फूल पर गुजारा, खुद को करे पान और फूल पर गुजारा पर अपने सपूतन को पेट भर भोजन कराती है और मृत्यु की बेर दो बूंद अगर कंठ में पड़ जाए। सती भैया, मृत्यु की बेर दो बूंद अगर कंठ में पड़ जाए प्रधान जी तो वही दो बूंद वैकुंठ को भिजवाती है। और एक बात कि ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में, बिनू भैया ऐसी महतारी कहां मिलेगी जग में जो मरने के बाद भी अपने गोद में सुलाती है। तो प्रेम से बोले गंगा महारानी की जय। और हमारे सम्मानी जायसवाल दादा जी बहुत ही अच्छे कीर्तन प्रेमी हैं, श्रोता हैं, आयोजक हैं। वाह, इक्यावन पत्र मुद्राएं और इस प्रयागराज की गंगा माँ भगवती की पंक्तियों के लिए। और इस सम्मानी हमारे आरके टेलर्स जी, आरके राजपूत जी, अंकित राजपूत जी और आरके टेलर्स जी, सम्मानी भैया की तरफ से इक्यावन पत्र मुद्राएं प्रणाम भैया को। तो प्रेम से बोले गंगा महारानी की जय। सुनेगा पत्नी कह रही है क्या, कि चले सत्य पथ पर ये तू खुद कहे भगवान कन्हैया ने कर्ण से कहा कि कर्ण चले सत्य पथ पर ये तू खुद कहे है, तेरी सत्यता का मेरा हाल जाना, मेरे सामने यू न बाते बना। आपकी पंक्ति करें भगवान कन्हैया करें कर्ण से कि कर्ण मेरे सामने यू न बाते बनाओ, तुम जो कर रहे हो मुझे सब पता है। अब भाई साहब अवधेश भैया छोटे भैया जब आपकी पंक्तियां सुनेगा सुने। और आपने बातें कही दूसरी बात, कन्हैया ने कहा कि तेरे छोटे भाई छोटे थे ये तू जानता था, सभा में द्रौपदी नग्न हो रही थी ये तू जानता था, तो काहे सभा में तीर नहीं ताना दूंगे। फिर कहा कि चक्रव्यूह में अभिमन्यु मरा था और जयद्रथ ने पांव से मारा था, तब तो वहां तू कहां था। ये सब सारी बातें आपने बताई, लेकिन एक बात बता दें अवधेश भैया, महाभारत के इतिहास में सारे पात्र अपने आप में महत्वपूर्ण थे। सतीश भैया दो मिनट ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। अरे छोड़ो गुरु, हेलो माय डियर, लुक हियर, कहां लिख रहे हो कमजोर। लेकिन एक जिसकी बात आपने कही, महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र था बड़े भैया, कर्ण एक ऐसा पात्र था जिसका पूरी महाभारत में एक विशेष स्थान था। तो आइए, जब इतनी बात कन्हैया ने कहा कि मैं तुम्हारी सत्यता को जानता हूं, तो कर्ण भी चूंकि सूर्य पुत्र था वो खामोश रहने वाला नहीं था,
उसने कहा केशव मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ आपने जितनी बातें कही सार्थक कही है, लेकिन एक बात मेरी भी सुनते जाना। कहा क्या रणभूमि में कौरव क्षमा चाहूंगा रणभूमि में कर्ण अचेत पड़ा था और कन्हैया जी और अर्जुन परीक्षा लेने चले गए, ब्राह्मण का वेश बना करके परीक्षा लेने पहुंच गए और तो कर्ण ने कहा प्रभु प्रभु केशव बड़ी बड़ी बात हमको आप बता रहे थे लेकिन सुनिएगा सुनेगा प्रयास करा। कर्ण ने कहा केशव जब मेरी परीक्षा लेने आप और अर्जुन आए थे वेश बदल करके, मैं मर रहा था उस समय आपने मुझसे याचक की तरह भिक्षा मांगी थी और कहा मुझे स्वर्ण दान चाहिए, मैं इतना बुरा था तो क्या जरूरत थी मेरे पास आने की, अगर मैं इतना ही बुरा था तो मेरे ही पास क्या जरूरत थी आने के, पांडवों में बड़े बड़े धर्माधिकारी बैठे हैं चले जाते हैं उनसे मांग लेते हैं आप। तो कहा कर्ण ने केशव मेरे मेरे धैर्य की कठिन वो परी, मैं हूं कर्ण दानी ये तूने भी माना। अर्जुन से आपने कहा था कि जब मैंने स्वर्ण दान मरते समय दिया तो आपने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन देखो इसको कहते हैं दानी, तब मैं आपको बुरा नहीं दिखाई पड़ा, मैं हूं कर्ण दानी ये तुमने भी माना। और केशव मेरे सामने आखिर अगर पसंद आया भैया तब आशीर्वाद दीजिएगा, बिल्कुल मेरे सामने आखिर पड़ा तुमको आना। क्या से धन्यवाद है, बस आपका आशीर्वाद ही जब आपकी पंक्तौरी पुनः हमारे सम्मानी अखिलेश यादव जी प्रधान जी मलिहाबाद लखनऊ इसको लेके जवाब आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं मोहर के रूप में साझा किया। कहा अगर मैं इतना ही बुरा था मेरे सामने केशव पड़ा तुमको, और ये सादर प्रणाम है इन जवाब की पंक्तियों पर सम्मानित दादा श्री डीके सिंह जी बाबा प्रॉपर्टीज मानस नगर कृष्णा नगर लखनऊ 101 रुपए आशीर्वाद स्वरूप सादर प्रणाम कर रहा हूँ, तालियों से स्वागत करिएगा आप सभी लोग और आशीर्वाद की कामना है। पंक्तियां सुनेगा जवाब की एक एक लाइन सुनेगा सुने। आपके घर का गीत है मैं मानता हूँ बहुत सुंदर है लेकिन भाई साहब फल का सुनिए फल का सुनिएगा। परम मित्र अर्जुन को साथ अपने लाए, भेष बना करके मेरी परीक्षा लेने आए थे, मेरी दिया स्वर्ण का दान मैदान में है, दिया स्वर्ण का दान मैदान में है, मैं हूं कितना दानी
चूंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि कौन संसार में दागी है, मैं हूं कितना दागी कैसे था दिखा। अगर मैं बुरा था तो क्यों आए थे अर्जुन को लेकर मेरे सामने केशव पड़ा तुमको। मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपने छोटे भाइयों को जानता था, अगर जितना दोषी आप मुझे ठहरा रहे हैं उससे कम दोषी आप नहीं हैं। कहा क्यों सुनिए, मेरे जान की बनी कुंती माता। माता कहा गया है कि पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता कुमाता नहीं। सुनेगा सुने, मेरे जान की बड़ी कुंती माता, अहो तू कलंकित भेद जग ये जान जाता। मैं मानता हूं कि ये जग जान जाता तो कलंकित हो जाती, लेकिन केशव एक बात बताओ, कारण और अर्जुन का युद्ध फिर न होता। भैया क्यों, अगर आप कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों को जानता था तो एक बात बताइए केशव, पराराज मुझको ये है छुपा। अगर मेरी माता ने मुझे त्याग दिया सिर्फ इसलिए मेरा कुल मेरा मस्तक मेरा दामन दागदार हो जाएगा, तो एक बेटा कैसे उस बात को प्रत्यक्ष कर दे, कैसे उस बात को प्रत्यक्ष कर दे, क्योंकि मैं जान रहा हूं क्या होने वाला है। अगर मैं बता देता तो जो बात मेरी माँ ने छुपाई वो सामने आ जाती और वो कलंकित हो जाती। और ये 201 पत्र मुद्राएं हमारे परम आदरणीय बड़े भैया, 101 पत्र मुद्राएं हमारे परम आदरणीय सम्मानी बड़े भैया श्री बीनू वाजपेयी जी, हमारे सम्मानी हमारे प्रेरणा स्रोत गुरु तुल्य आदरणीय रचनाकार इन जवाब की पंक्तियों पर सागर दादा जी ने प्रदत्त करते हैं, और 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए सादर चरण स्पर्श भैया को, और जोरदार तालियां बजा देंगे थोड़ा सा, चूंकि अंतिम पंक्तियां सुनने के लिए समय कम है। अगर मुझको देने की इच्छा तुम्हारी, और जब दान दे दिया स्वर्ण का तो कन्हैया ने कहा कर्ण जो मांगना चाहते हो मांग लो। सभी भैया कहा कर्ण जो मांगना चाहते हो मांग लो, तो कर्ण ने कहा आप मुझे क्या दोगे, आप खुद याचक बन के मेरे दरवाजे मेरे पास आए हो, मैंने तो जिंदगी भर सिर्फ दान दिया, लेकिन केशव आप ईश्वर हैं। अगर आप कह रहे हैं तो सुनिए, अगर मुझको दे इच्छा तुम्हारी मेरी अंतिम इच्छा सुनो हे मुरारी, गया ना किसी का हो सौ जलाया। अगर कुछ देना चाहते हो केशव तो मुझे ऐसी जगह दीजिए मेरी चिता वहां पे जलाई जाए जहां किसी की चिता ना जली हो। अगर देना चाहते हो तो मेरी चिता वहां जलाई जाए जहां पर कभी किसी की चिता न जली हो। कन्हैया जी पूरा ब्रह्मांड ढूंढे, उनको एक सुई के नोक के बराबर जगह मिली, और उस सुई की नोक पर अपनी हथेली रख के अपनी हथेली पर चिता जलाई है भगवान कन्हैया ने। तो सुनेगा सुने,
और ये हमारे सम्मानित बड़े भैया आरके टेलर्स जी और अंकित राजपूत जी, आप दोनों भाइयों की तरफ से ये 101 पत्र बधाई भैया को प्रणाम है। क्या बात है, छा गया जवाब। क्या ना किसी का भी हो सोचो वहां पर मेरी लाश कन्हैया जलाना।